नमस्कार। खबर सर्वप्रथम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में। छात्रों में बोर्ड रिजल्ट को लेकर काफी उत्सुकता है। लगभग सभी छात्र एक ही सवाल बार बार कर रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट 2022 कब आएगा। तो इसका जवाब यह है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूर्ण हो चुका है। रिजल्ट जल्द ही उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की आधिकारिक वेबसाइट में घोषित कर दिया जा सकता है। साथ ही आपको ये जानकारी देते हैं, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में प्रत्येक परीक्षार्थी को हर एक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी एक विषय में न्यूनतम 33% अंक नहीं आते हैं तो उस विषय में छात्र फेल माना जाएगा। साथ ही में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 10 जून से पहले घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 10 जून से पहले घोषित होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक आरके कुंवर के मुताबिक बोर्ड परीक्षा के बाद इन दिनों रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। इसे हर हाल में 10 जून से पहले घोषित कर दिया जाएगा। साथ में आपको ये जानकारी भी दे दें कि उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं परीक्षा को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा संचालित की जाती हैं। साथ ही रिजल्ट आने की आधिकारिक तिथि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट अपर विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित कर दी जाती है। साथ ही आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए कुल 242,955 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से कि 129,785 हाई स्कूल परीक्षा और 113,170 इंटरमीडिएट के लिए उपस्थित हुए थे। लाखों छात्रों के रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म हो जाएगा। हालांकि बोर्ड की ओर से आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी होने की तारीख घोषित नहीं की गई है। साथ ही खबर अब देहरादून से। आपको बता दें, प्रवक्ताओं के 1212 पदों पर भर्ती का जल्द मौका। 4000 पद खाली हैं शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के। आपको जानकारी के लिए बता दें, सरकारी स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग और प्रावधिक शिक्षा परिषद के जरिए की जाती है। प्राइमरी के बाद अब माध्यमिक शिक्षा में प्रशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे। सरकारी इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के लिए रिक्त 1212 पदों पर भर्ती को कार्मिकों ने मंजूरी दे दी है। शेष औपचारिकता जल्द पूरी करने के बाद प्रवक्ता पदों के लिए भर्ती के लिए अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। इसमें प्राइमरी के शिक्षकों के तकरीबन 2700 पदों पर भर्ती होनी है। अब माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी भर्ती तैयारी है। फिलहाल वक्त राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ताओं के लिए रिक्त 1212 पदों पर भर्ती शुरू कराने का प्रस्ताव को कार्मिकों ने मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव से संबंधित अन्य औपचारिकता शासन स्तर पर पूरी की जा रही है। इसके बाद भर्ती का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। हालांकि प्रवक्ताओं के लिए रिक्त पदों की संख्या कई ज़्यादा है। सरकार ने बीते दिनों बड़ी संख्या में राजकीय हाई स्कूलों और को इंटर तक उच्चीकृत किया है। साथ ही प्रवक्ता पद सृजित किए हैं, इन पदों को भी शामिल किया जाए तो रिक्त पदों का आंकड़ा तकरीबन 2500 के इर्द गिर्द पहुंच सकता है। हालांकि इन पदों को शामिल करने के लिए महकमे ने प्रस्ताव तैयार नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक प्रशिक्षित बेरोजगारों की ओर बढ़ रहे दबाव के चलते रिक्त पदों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। साथ ही खबर है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा मंडल कार्यालय हल्द्वानी के अंतर्गत अधीनस्थ संवर्ग में अंशकालिक सफाई कर्मचारी PTS पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी किया गया है। इसके अंतर्गत जानकारी दिया गया है कि हमारे बैंक के हल्द्वानी मंडल के अंतर्गत आने वाले निम्न जिलों में अधीनस्थ संवर्ग के अंशकालिक सफाई कर्मचारी PTS के निम्नवत पद रिक्त हैं। अल्मोड़ा में 3 पद हैं, साथ ही नैनीताल में 3 पद, पिथौरागढ़ में 2 पद, उधम सिंह नगर में 4 पद, बागेश्वर में 1 पद। इसके अंतर्गत आयु सीमा की जानकारी दिया गया है, कौन कौन से जिलों में कितने रिक्त पद हैं, इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा में कितनी छूट मिलेगी, वो सारी जानकारी आपको दिया गया है। साथ ही में इससे अधिवास संबंधी जानकारी भी आपको PDF में दिखने को मिल जाएगी। खबर अब रोज माउंट पाथवे स्कूल के अंतर्गत, जो कि देहरादून में लोकेट करता है, द हार्ट एंड माइंड स्कूल, वी आर लुकिंग फॉर मोर देन जस्ट अ टीचर। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम यंग डायनेमिक एंड कॉन्फिडेंट फीमेल कैंडिडेट विद एक्सीलेंट ओरल एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन, गुड कंप्यूटर स्किल एंड आर फैसनेट अबाउट गाइडिंग चिल्ड्रन इन एन एक्टिव एंड सेल्फ प्रोपल्ड लर्निंग इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत पोस्ट है प्री प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी बताया गया, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, प्रीफेबल इन एंटिटी, ट्रेंड इन फोनेटिक एंड क्रिएटिव टीचर मैथोलॉजी एंड कम्फर्टेबल विद यूजिंग टेक्नोलॉजी, मिनिमम 5 ईयर इन टीचिंग एक्सपीरियंस एट प्री प्राइमरी लेवल इन अ रेप्यूटेड स्कूल, पोस्ट एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का एलिजिबिलिटी, ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एंड बी एड, शुड बी टीम प्लेयर, इफ यू थिंक यू आर फिट देन वी आर लुकिंग
फॉर अस, ईमेल योर रेज्यूमे jobs.rmps@gmail.com। अगली खबर अब दून इंटरनेशनल स्कूल रिवरसाइड कैंपस के अंतर्गत है, जो आपका लोकेट करता है देहरादून में। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट: TGT इंग्लिश, सोशल स्टडी, मैथमेटिक्स, साइंस। द एप्लीकेंट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड टीचिंग क्वालिफिकेशन एंड at least 5 years of teaching experience in reputed CBSE and ICSE affiliated school। इसके अंतर्गत आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की भी पोस्ट है। टू ओवरसी जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्ट एंड अदर रिलेटेड ड्यूटीज, एक्स डिफेंस पर्सनल प्रिफर्ड। साथ ही इसके अंतर्गत आपका अकाउंट सुपरवाइजर की भी पोस्ट है। टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द स्कूल एंड सुपरवाइज द अकाउंट्स ऑफिस। एप्लीकेंट मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट एंड हैव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। JCO विद सिमिलर एक्सपीरियंस वुड बी प्रिफर्ड। साथ ही इसके अंतर्गत द स्कूल ऑफर एन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज एंड अ हेल्थी वर्क इन्वायरमेंट। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन मेल दियर रेज्यूमे टू प्रिंसिपल एट द रेट DISRiverside.com। ड्रॉप दैम एट द स्कूल रिसेप्शन विद 7 days ऑफ द एडवर्टीजमेंट। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी कॉल फॉर द इंटरव्यू डायरेक्टर। साथ ही नेक्स्ट पोस्ट जारी किया गया है दून डिफेंस अकेडमी के अंतर्गत। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड स्टाफ फॉर द अकेडमिक ईयर 2022-2023 के अंतर्गत। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एक्सपीरियंस फैकल्टीज फॉर द फॉलोइंग कोर्स के अंतर्गत। आपका फैकल्टीज NDA के लिए है आपका इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, स्पोकन इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जनरल स्टडी एंड स्पोर्ट्स टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। Those who are interested in the part-time teaching can also apply. Working class people who desire to work at evening can also apply. Warden for hostel, accounts executive assistant, guard day and night, office boy, 12th pass, photographer, video editor, cleaner, housekeeper, IT department, handling social media, digital marketing, graphic designer, software developer. Interested candidate, please send your resume on the before 4 June 2022 HR VINGDDA@gmail.com और कॉन्टैक्ट admin@hrwings MS Suman Pal। साथ ही नेक्स्ट पोस्ट जारी किया गया है आपका क्वालिटी वेक्टर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, जो कि आपका लोकेशन देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत रहने वाला है। टाइप्स परमानेंट जॉब है। इज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल MNC वर्किंग इन द फाइन टेक स्पेस। बेनिफिट आपका जानकारी दिया गया है। इसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट इमीडिएटली ACI एंड UPF डेवलपर की पोस्ट है। एसेंशियल स्किल जानकारी दिया गया है एंड एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट है। एसेंशियल जानकारी दिया गया है। रेफरेंसेस की जानकारी दिया गया है https://www.etfcrp.com। एप्लीकेशन प्रोसेस अप्लाई ऑनलाइन बाय स्कैनिंग QR कोड। उत्तराखंड शिक्षा जगत के अंतर्गत आज की महत्वपूर्ण खबरों एवं भर्ती विज्ञापनों में इतना ही। साथ ही तमाम उत्तराखंड शिक्षा जगत की पल पल की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।